क्लास टेंथ एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं क्या है। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। ये दे रखा है, मीन पहले से दे रखा है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। ये एक टेबल दे रखा है, इस टेबल में ये सारे चीज दे रखा है और ये जो फ्रीक्वेंसी एफ है ये मिसिंग है। हमें ये वाला फाइंड करना है, ये क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन लेंगे इस तरह से। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपरों में। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो एक ऐसा टेबल बना लेंगे, डेली पॉकेट अलाउंस ये वाला, इसको ऐसे लिख लेना है, ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमने इसको एफ आई मान लिया। अब यहाँ पे एक्स आई निकाल लेंगे। एक्स आई क्या होता है, इन दोनों के बीच का जो नंबर होता है वो एक्स आई होता है। तो यहाँ पे हमने इसको जब एक्स आई निकाल लेंगे तो ये जाएगा 11 और 13 के बीच आएगा 12। इसी तरह से ये आएगा 14, ये आएगा 16, ये आएगा 18, ये आएगा 20, ये आएगा 22 और ये आएगा 24। अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 84। फिर इसी तरह से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, ये भी 84। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 144। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 को 18 से, ये हो जाएगा 234। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20F, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी F से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 110। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹96। अब इन सबको प्लस कर लेने हैं, 7 + 6 + 9 + 13 + 5 + 4, इनको प्लस करेंगे तो ये हो गया 44। और ये बच रहा है एफ, तो इसको ऐसे लिख लेंगे एफ, ठीक है। इसी तरह से इसको प्लस करेंगे, अब इधर इन सबको प्लस करते हैं, इन सबको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 752। और ये प्लस ये वाला किसी के साथ इधर नहीं जुड़ने वाला, तो ये हो जाएगा 20F, ठीक है। अब निकालते हैं मीन। मीन इक्वल टू हो जाता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ठीक है, जो कि हमें पहले से गिवन है 18, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे ये सिग्मा एफ आई एक्स आई के जगह पे ये हो जाएगा 752 + 20F, और इसके नीचे ये आ जाएगा 44 + F इक्वल टू हो गया 18। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 752 + 20F इधर रह जाएगा और ये इधर चले जाएगा। तो 18 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, 18 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 792 और प्लस में ये हो जाएगा 18F, ठीक है। अब ये हो जाएगा इधर 20F और ये इस साइड से आएगा तो -18F इक्वल टू हो जाएगा 792 - 752, ठीक है। अब 20F में से 18F माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 2F और इधर 792 में से 752 माइनस करेंगे तो हो गया 40। अब F इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 40/2, ये कैंसिल होगा, 2 × 2 = 20 = 40, तो ये हो गया हमारा 20। तो फ्रीक्वेंसी हमारा जो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी था ये निकल के आ गया 20 और इसके आगे हम लिख लेंगे आंसर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इस तरह के क्वेश्चंस पेपरों में आते हैं। उम्मीद है इस क्वेश्चन को समझने में आपको आसानी भी होगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।